न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। शुरुआत करते हैं दो बड़े हादसों के साथ। पहली खबर है राजपुर से, जहां पर सुबह सुबह चिंदी घाटी के नीचे असंतुलित होकर निजी सीमेंट कंपनी का टैंकर घटना के बाद यातायात हुआ बाधित। जी हां, एक चिंदी घाटी के नीचे असंतुलित होकर निजी सीमेंट कंपनी का टैंकर जो है रोड के बीच में जो है जा खड़ा हुआ, जिसके चलते यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। वहीं वाहन चालक होते रहे परेशान, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर अपने अपने वाहनों को निकाला। प्रशासन करता रहा वाहन संबंधित लोगों के आने का इंतजार। जी हां, वहीं दूसरा बड़ा हादसा बलवारी वर्रा रोड पर हुआ है, जहां पर निर्माणाधीन पुल के गड्ढे में जा घुसी आयसर वाहन। जी हां, तीन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वर्ला तहसील मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम दुगानी के निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में ब्रेक फेल होने से आयसर जा गिरी, जिससे चालक सहित तीन लोग घायल हो गए हैं। साथ ही आयसर की टक्कर से एक बाइक के परखच्चे तक उड़ गए हैं। जी हां, एक आयसर ने बाइक सवार को भी टक्कर मार दी, जिसके बाद वे घायल हो गया। ग्रामीणों को मदद से घायल को वरला अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि आयसर धौली की ओर जा रही थी।